नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। हम आगे बढ़ते हैं कंस फैमिली के साथ में। पिछले हफ्ते हमने चंद्र कंस और जोग दो रागों का मिलाप देखा था, राग था जोग कंस। आज हम देखने जा रहे हैं और एक ऐसा राग जो काफी पॉपुलर हुआ है हाल में और जो मिश्रण है दो हेवी वेट्स का, दो बड़े राग मालकंस और कानड़ा, दरबारी कानड़ा, और ये राग है कौशी कानड़ा। मालकंस अपने आप में बहुत बड़ा राग है, दरबारी अपने आप में बहुत बड़ा राग है। जब हम कहते हैं कि राग बड़ा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा विस्तारक्षम होता है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब ये दो राग मिल रहे हैं, मालकंस और कानड़ा, दरबारी, और जो राग बनता है कौशी कानड़ा, ये सोचने की बात है कि ये उतना बड़ा नहीं रहता जितना कि मालकंस या दरबारी अपने आप में है। इसका कारण क्या होगा थोड़ा सोचिए, मैं कभी बाद में इसका उत्तर बताऊंगा। अब देखते हैं राग कौशी कानड़ा कैसे बनता है। मालकंस मध्यम प्रधान राग है, पंचम और साथ में ऋषभ दोनों नहीं है, और बाकी सारे जो स्वर है वो कोमल लग रहे हैं। कानड़ा अंग जो है उसमें पंचम है, ऋषभ भी है, यह है कानड़ा अंग। गमारे सा ये कानड़ा वाचक फ्रेज है, और रे द नी सा और एक कानड़ा वाचक फ्रेज है, द नी प, ये भी कानड़ा। जब ये कानड़ा अंग और कौश अंग दोनों मिलेंगे तो बनेगा कौशी कानड़ा, और कौशी कानड़ा में दोनों कानड़ा और कौश दिखते रहेंगे। कानड़ा है, फिर से कानड़ा चल रहा है, मालकंस में जा रहे हैं, मालकंस का फ्रेज है,
गया। कौशिक कांदड़ा में मध्यम की प्रबलता रहेगी। मालकोस का फ्रेज है, पंचम लगा है लेकिन वक्र रूप से आ रहा है। फिर ऊपर जाएंगे, मालकोस का रास्ता लेकर पूरा मालकोस का अवरोह में कांदड़ा दिख रहा है और फिर मध्यम पे न्यास और फिर कांदड़ा। सो ये हो रहा है कौशिक कांदड़ा, बिल्कुल घुल मिल जा रहे हैं दोनों रागांग, बहुत बड़े रागांग, एक तरफ मालकोस और दूसरी तरफ कांदड़ा। तो देखते हैं कौशिक कांदड़ा का पूरा विस्तार।
एक बंदिश सुनते हैं कौशिक कांदना में। Oh,